कल से हम काली पुराण सुनाएंगे। काली पुराण से आपको पूरे प्रकृति का रहस्य पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा जो सारे पुराणों का सार है कि कैसे हमारे जो है देवताओं के कार्य विभाजन, क्या रहस्य प्रकृति कैसे बनी, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम और आप विभेद करते हैं, ये शिव है, ये विष्णु है, ये कोई। और जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप अगर ध्यान दें तो उसमें आप प्रधानिक रहस्य पढ़ते होंगे, यानी प्रधानिक रहस्य के रूप में सारी माताएं जो आप देख रहे हैं वो सब एक ही माता है, तो वो कौन है माता? तो आप जब काली पुराण में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे प्रधानिक रहस्य दुर्गा स्तुति आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं तो रुक के पढ़िए, कोई पाप नहीं लगने वाला आपको। अंत में आप अपराध जो है क्षमा प्रार्थना पढ़ लेना, लेकिन रुक रुक के अर्थ के साथ आप पढ़ो तो दुर्गा सप्तशती को, तो आप उस गूढ़ रहस्य को, दुर्गा सप्तशती में प्रकृति का गूढ़ रहस्य है। मार्कंडेय ऋषि जो है, और वो अष्ट चिरंजीवी में, वो आजमी हिमालय में, हिमालय में उनका जो स्थान बताया गया वो उत्तर की तरफ है, बहुत हिमालय के उत्तर दिशा में उनका आश्रम बताया गया है, आज भी वो हैं। और मार्कंडेय कौन है वो भी मैं कल पहले दिन अध्याय में आपको क्लियर करूंगा कि मार्कंडेय ऋषि हैं कौन। तो कल से आप लोग आइए दोपहर 3 बजे, और कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 10 बजे मत रखिए, तो रात के 9 बजे दोनों चैनल पे हम काली माता का की कथा का श्रवण करेंगे। उसमें कई गूढ़ रहस्य आपको क्लियर होता चल जाएगा, और आप सबसे और अनुरोध है कि थोड़ी ध्यान साधना में लगाइए, क्योंकि एक बात और बताऊं आपको, जब तक आप साधना में नहीं उतरेंगे आप किसी नेता आदि के जरिए हिंदू धर्म नहीं बचा पाएंगे। आपको स्वयं तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तभी आप बचा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।